चलिए गाजर को घिस लेते हैं। गाजर को हमने घिस के रख लिया है, बहुत बारीक ना घिसे, थोड़ा मोटा ही रहने दें। ये देखिए, बहुत बारीक होने से बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस हमने ऑन कर दिया है, अब इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। गाजर को कढ़ाई में डाल देते हैं। आधा किलो का गाजर भीग के रखा था, पानी नहीं निकालना है ना तो निचोड़ना है, इसीलिए साथ में भून लेते हैं। इसको 5 मिनट भून लेते हैं, इसका पानी जो है थोड़ा सा सूख जाए, पर ज्यादा नहीं भूनना, बस 5 मिनट के लिए ही भूनना है। और दूध जो है उबलने के लिए रखे हैं, 1.5 लीटर दूध लिए थे पैकेट का, 1.5 लीटर लिए थे, और पकने के लिए रख लिए हैं, इसलिए पकने के लिए रख लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर बनाने में, और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसे हमने दूध पहले से ही रख दिया था 1.5 लीटर गर्म होने के लिए। देखिए कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए और थोड़ी सी पानी भी सूख जाएगी इसमें से, बस उतना ही हमें करना। ये देखिए कलर थोड़ा चेंज हो गया है, बस अब इतना ही भूनना है। दूध को डाल लेते हैं इसमें, गर्म है बहुत ज्यादा दूध। साथ में एक कटोरी चीनी लिए हैं, उसको डाल लेते हैं इसमें, और मीठा आप अपने हिसाब से डालिए, कम ज्यादा जैसे आपको पसंद है। हमें मीठा बराबर पसंद है इसलिए कटोरी डाल रहे हैं, इसके लिए इतना पर्याप्त है। आप ज्यादा मीठा पसंद करते तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, हम इतना ही डाल रहे हैं। अब इसको पकने देते हैं, इसे बीच बीच में आप जरूर चलाएं। एक बार थोड़ी सी आंच तेज करके फिर पकाएं, उसके बाद धीमा कर दें, धीरे धीरे पक जाएगा ये, साथ साथ गाजर भी और दूध दोनों एक साथ पक जाएंगे। फिर इसमें खोए जैसा एकदम बढ़िया से स्वाद आएगा इसमें। खोए का जो दाना पड़ जाता है ना, उबरा उबरा सा, एकदम वैसे ही टेस्ट आएगा। अलग से खोआ बनाने की जरूरत नहीं होती है, साथ साथ हम बना लेते हैं क्योंकि टाइम उतना ही लगता है, इसलिए हम जो है इसी तरह से बनाते हैं। अच्छा स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। इसको पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, कलर बड़ा प्यारा आया है, थोड़ी देर इसे और सूखा होने देते हैं। ये गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा आंच को ना धीमा कर दीजिए,
ताकि ये जलने ना पाए, और बराबर इसे चलाते रहिए। इसकी इसमें बबल्स आ रहे हैं और इसका जो पड़ता है बबल्स ना, बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसलिए इसे बराबर चलाना भी बहुत जरूरी है। तो जल जाएगा ना फिर स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अब ये सूख गया है, इसको बराबर आप चलाते रहिए ताकि कढ़ाई में न लगे। वह तैयार हो गया है हलवा। में जब ये देखो आप कि ये जब नीचे ऐसे होने लगे, थोड़ी सी लगे कि ये जलने लगा है, ये देखिए ऐसे निशान आने लगे, तो समझिए कि हलवा हो गया है। ये कढ़ाई में जब चिपकने लगे तो समझो कि हलवा हो गया है। बस एकदम तैयार हो गया है। गैस को ऑफ करते हैं। अब हमने इलायची कूट के रखी थी, अब इसको डाल देते हैं, इसको चला देते हैं। दो मिनट के लिए इसे ढककर रख देते हैं। दो मिनट के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि इसका जो खुशबू है इसी के अंदर ही रह जाए, बाहर ना निकलने पाए, तभी अच्छी खुशबू आएगी, तभी स्वाद का जो है गाजर का स्वाद तभी आएगा, इसकी खुशबू बाहर ना जाने पाए। दो मिनट बाद आप खोलिएगा इसे। हलवा मेरा तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। आप भी खाइए, अपने फैमिली में नात रिश्तेदारों को भी खिलाइए। हलवा बहुत ज्यादा टेस्टी है। इसको निकाल के सर्व करते हैं। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। इसमें मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, सबको नहीं पसंद होता है एक साथ, मैं बाद में डालूंगी। इसमें एक चीज और है, आपको अलग से खोआ बनाने की जरूरत नहीं है, गाजर के साथ साथ ये भी पक जाता है अच्छी तरह से। और ये देखिए एकदम लग ही नहीं रहा है कि इसमें खोआ पड़ा है, अलग से एक साथ पड़ गया है, इसमें दाने भी दिख रहे हैं हलवा जैसे, जैसे मतलब जो खोआ होता है उसका दाना भी दिख रहा है इसमें, ये देखिए एकदम पता चल रहा है। अच्छा स्वाद भी बहुत अच्छा है। अब इसको डेकोरेट कर लेते हैं। ये मेरे पास जो बादाम और काजू काट के रखे थे वही इसमें डाल रहे हैं। आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकती हैं, आपकी मर्जी है, पर मेरे पास यही था तो यही डाल रही हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म हलवा तैयार है। आप इसे बना के जरूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी हलवा बनता है। मैं इसी तरह बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है, एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। धन्यवाद।